कांग्रेस अगले इंतखाबात के जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के हित में दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते जम्मू में आज कांग्रेस ने सेलिब्रेशन किया। इस वक्त विकास रसूल हमारी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर में सब बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के वो सारे दावे क्या कर्नाटक में लोगों ने नकारे, या कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लोगों के बीच में रखा क्या वही काम आया। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विकास रसूल हमारी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस जीत के बारे में क्या कुछ। देखो, मैं तो पहले ये कहूँगा कि कर्नाटक में जिस तरीके से लोगों ने नफरत का जवाब प्यार से दिया, जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो उन्होंने प्यार मोहब्बत का संदेश दिया और जो उस मैन मोटिव उस यात्रा का था वो ये था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और वो नफरत छोड़ो जो है कर्नाटक से शुरू हुआ है। उन्होंने नफरत को छोड़ा, हालांकि मोदी जी एक महीने वहाँ बैठे, रोड शोज़ किए, जितनी उनको हिंदू मुसलमान बेस पे तकरीरें करनी थी, बजरंग बली का नाम उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया, हालांकि भगवान है उसका नाम उन्होंने इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना चाहे था, उसको यूज़ किया, पूरी कोशिश की, हिजाब को लेके, केरला फाइल्स को लेके पूरी कोशिश की गई कि वहाँ पे नफरत हो जाए, फैल जाए, और वो उनकी दुकान बीजेपी की उसी से चलती है। सर, विजय दाखला अमित शाह का बयान आया था कि अगर कर्नाटक में भारतीय जनता कंडे हैं वो खाली लोगों को हिंदू मुसलमान के बेस पे डिवाइड करने का और अपना उल्लू सीधा करने का सारा फंडा था, लेकिन अब जो उनका जवाब मिला, इस वक्त कांग्रेस जो है 133 सीटें ले गई हैं और मजार्टी से कहीं बहुत आगे हम निकल गए हैं, यही जवाब उनको बाकी जगहों पे मिलेगा। इनका एक काम होता है कि काम कुछ मत करो, बेरोजगारी कोई टेंशन नहीं बीजेपी को, दुनिया की बेरोजगारी हो, महंगाई 1300 रुपये का सिलेंडर कोई टेंशन नहीं बीजेपी को, इस स्टेट में इन्होंने टैक्सों पे टैक्स डोजर स्टेट को ख़त्म किया, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, जनाब अली यूटी बनाया, सब कुछ उल्टा किया, उसके बाद भी बोलते हैं 50 सीटें लेंगे, क्यों? इनके दिमाग में है कि हम लास्ट में हिंदू मुसलमान करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कर्नाटका की आवाम से सीखे, वो जो बेरोजगार नौजवान जिनका फ्यूचर बर्बाद हो गया घर में बैठ के, उनको देख कर वोट दें। जो गरीबी इस वक्त बढ़ रही है और मोदी जी अपने अडानी और दूसरे लोगों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं, उसके नाम पे वोट दे। यहाँ की हिस्टोरिकल स्टेट जो हमने महाराजा से ली थी, जो स्टेट सब्जेक्ट महाराजा से मिला था, जो दरबार मुंह महाराजा से मिला था, उसको ख़त्म किया बीजेपी ने, उसके नाम पे वोट दे, तब जाके यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। नहीं तो जो बीजेपी सपना देख रही है कि 9 साल इलेक्शन के ना करने के बाद भी वो 50 सीटें लेंगे, मुझे लगता है फिर यही जो कर्नाटका में लोगों ने किया यही यहाँ भी होना चाहे, तब जाके यहाँ भी डेवलपमेंट होगी, यहाँ भी काम। असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में बीजेपी को मदद की गवर्नमेंट बनाने के लिए, असदुद्दीन अवैसी ने यूपी में गवर्नमेंट बनाने के लिए मदद की, असदुद्दीन अवैसी कर्नाटका में भी गए थे, असदुद्दीन अवैसी को जितना बिजनेस है उसमें प्रोटेक्शन है बीजेपी की, असदुद्दीन अवैसी को जेड सिक्योरिटी है बीजेपी की तरफ से। और जब परसों सत्यपाल मलिक का बयान आया, उस वक्त अवैसी को बीजेपी के खिलाफ बयान देना था, असदुद्दीन अवैसी ने सत्यपाल मलिक के खिलाफ बयान दिया, कर्नाटक में जाके बीजेपी के खिलाफ बयान देने थे, वहां कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगा, तो वो तो सीधे एजेंट है बीजेपी का, जैसे यहाँ गुलाम नबी आजाद है वैसे वहां अवैसी, सेम एक ही बात है। हमारी मदद की ना कि उनकी, उनने भगवान जो भी होता है वो सच्चाई की मदद करता है। यहाँ वहाँ जालिम सरकार थी, करप्ट सरकार थी, लोगों को धोखा देने वाली सरकार थी, उसको बजरंग बली ने दफा किया, अपना वो जो होता है ना हथौड़ा, वो उस सरकार के सर पे मारा और कांग्रेस को लाया। सवाल सर, आखिर सर कांग्रेस का इल्जाम यह है कि इस बार कांग्रेस ने भी जो है बजरंग बली दल को जो है वहां पर बैन करने की कोशिश की, बताया। जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो बैन होनी चाहे, ये हमारा भी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या बाहर हो, जो भी लोगों को तंग करेगी, वो हिंदुओं को तंग करे या मुसलमानों को, दे आर टेररिस्ट, अगर वो टेररिस्ट है उनको बैन करना चाहिए। भी होंगे
आप समझो बीजेपी डर रही है यहाँ इलेक्शन करने से, जब भी होंगे उनका एड्रेस भी कहीं नजर नहीं आएगा। आजाद के जाने पे कि कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन आज बताए ना कांग्रेस कहाँ है। 60% जो कांग्रेस गई थी गुलाम नबी के साथ वो सारी वापस आ गई, बाकी पार्टियों के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस ही वो जमात है जो कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, चनावेली में भी है, राजौरी पुंछ में भी है। बस खाली मेहनत करने की जरूरत है। हम 7-8 महीने से हैं, हमने एक दिन भी नहीं छोड़ा। आप देखेंगे प्रोटेस्ट तो कांग्रेस के, जलसे तो कांग्रेस के, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस का, जय भारत संघर्ष कांग्रेस का, धरने हमारे, प्रोटेस्ट हमारे, प्रोग्राम हमारे। हमने यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत किया है और इंशाल्लाह नंबर वन बना के ही दम लेंगे। थैंक यू। आने वाले वक्त में डीएपी के जितने भी लीडर हैं वो सारे अपनी पार्टी में शामिल होंगे। अब यहाँ 60% आए, वहां भी 2-4% जाए, वहां क्या बचा है? डीएपी है ही नहीं कहीं। वो अभी उनका ना चुनाव निशान है ना कुछ है। वो चुनाव निशान मिलने से पहले ही पार्टी खत्म होगी, किसकी बात कर रहे हो आप?